ये एक्सपेरिमेंट है जी, ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हमने ट्रेस करना है जी। इसके लिए हमें ये एक वुडन बोर्ड चाहिए, तो हमने ये सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड लिया। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हमने क्या लगाया, पेपर, और ये टेप है, टेप की हेल्प से हमने इसके ऊपर पेपर लगा दिया है जी। प्यारे बच्चों, अब हम इसके पेज के सेंटर में स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी। हमने लाइन तो ड्रॉ कर ली, अब हम एक कंपस नीडल लेते हैं जी। तो ये कंपस नीडल देखें हमने किस तरह पेज के सेंटर में रखी हुई है, ये आप ज़रा नोट करें। उसी लाइन के ऊपर हमने ये, मैंने वीडियो थोड़ी जूम करके जूम इन की है, तो ये कंपस नीडल इस तरह पेज के ऊपर हम उसी लाइन के ऊपर रख देंगे जी। ये देखें, अब हमने इसको मूव करना है ड्राइंग बोर्ड को। अब देखें, मैं इसको मूव ऐसे करूँगा कि जिस तरफ को नीडल है ना, इसकी लाइन भी उसी तरह ही हो। ये देखें, नीडल जिस तरह से है, मैं बोर्ड को मूव कर रहा हूँ। मूव करके मैंने क्या किया, नीडल को और उस लाइन को एक ही लाइन में ले आए। अब आप देख लीजिए कि आपके सामने है, जिस तरफ को लाइन है, नीडल की पिन भी उसी तरफ को है। और ये मैंने कैसे किया, मैंने ड्राइंग बोर्ड को ऐसे मूव किया था, ऐसे पकड़ के, और इस तरह से आपने भी ऐसे ही मूव करना है कि जिस तरह से कंपस नीडल है, ये लाइन और कंपस नीडल एक ही लाइन में हूँ। अब आपके सामने है ये, अब आप जिधर को ये रेड पॉइंट है ना इसका, आप ये देख रहे हैं, इसको मैं फिर जूम करता हूँ, ये एन है, इस तरफ को नॉर्थ है। तो अगर आप इसको ऐसे रोटेट करके नॉर्थ लाएंगे रेड के नीचे, तो ये इस तरह ये भी आ जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये नॉर्थ है। अब नॉर्थ हमेशा इस तरफ होता है जिधर ये रेड पॉइंट होता है, तो इट मीन अब हमने इसके ऊपर नॉर्थ ढूंढ लिया है। हमारे पेज के ऊपर ये साइड जो है ना, ये नॉर्थ है, इसके ऊपर नॉर्थ लिख दें जी। ये जिस साइड पे हमारा नॉर्थ है, हमने नॉर्थ लिख दिया इसके ऊपर। अब एक बार मैग्नेट लें, इस बार मैग्नेट को उसी लाइन के ऊपर रख दिया जिस तरफ नॉर्थ था। इस बार मैग्नेट का भी नॉर्थ आपको अगर एन पोल नज़र आ रहा है, तो ये प्लीज़ नॉर्थ हमने किधर को किया, नॉर्थ वाली साइड पे किया जी। इस तरफ से एन हमें सीधे नज़र आ रहे हैं दोनों, मैं दूसरी तरफ से वीडियो बनाऊंगा जी। इसकी हमने अभी बाउंड्री लाइन लगा देनी, इस तरह ये भी लाइन लगा दी, इस तरफ भी लगा दी, इधर भी, और ये दूसरी तरफ भी। तो ये बार मैग्नेट की हमने बाउंड्री लाइन लगा दी है, ताकि ये अगर मूव भी हो जाए, हिल भी जाए, तो हमें पता चल जाए कि हमने इसको किस जगह पे रखना है जी। अब ये नॉर्थ वाली साइड पे इस तरह से एक आपने डॉट लगा लेना है, कहीं भी लगा लें, ये ज़रूरी नहीं इस जगह पे लगाएं, इधर लगा सकते हैं, इस लाइन पे लगा सकते हैं, इस तरफ लगा सकते हैं। मैंने बहरहाल ये डॉट जो है ना, थोड़ा सा अगली तरफ लगा दिया है, ये आपको नज़र आ रहा है जी। अब हमने ये कंपस नीडल देखें किस तरह से रखी है, ऐसे रखनी है कि उसका एक पॉइंट इस पॉइंट की तरफ हो। ये देखें, जो उसकी नीडल है ना, एक नीडल उस पॉइंट की तरफ हो गई है। तो अब आप दूसरी तरफ एक और पॉइंट लगा दें, यानी जिधर ये नॉर्थ है ना आपका, ये नॉर्थ बिल्कुल इसके फ्रंट पे आप एक निशान लगाएंगे जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इस तरफ जो है ना डॉट लगा दिया हुआ है, ये पेंसिल की हेल्प से अगर मैं देखूँगा इस तरफ, और ये पहला डॉट जो है ना हमारा इस तरफ था। इस तरह से हमने ये डॉट्स लगाते जाना है। अभी अगला डॉट कैसे लगाएंगे, इसी कंपस नीडल को मूव करके थोड़ा सा आगे ले चलें। अब उसका दोबारा से वही इसको लाइन में करें, आप देखें दोबारा पिन जो है ना इसका साउथ पोल, जो हमने अभी निशान लगाया था, साउथ पोल इस मार्क की तरफ है। पर अब हम जिधर हमारा रेड है, इधर एक और ऐसे निशान लगा देंगे, तो ये आप देखें ज़रा इसकी दूसरी तरफ से आपको मार्क नज़र आ गया। ये प्रोसेस अब आपने बार बार करते रहना है। अब मैंने इस तरह इसको रख के एक और निशान लगा लिया आगे, और उससे आगे फिर एक और निशान लग गया। अगर आप इन डॉट्स को देखें तो आपको पता चलेगा ये एक लाइन बन रही है। वैसे मैं आपको ये मिला के दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये डॉट लगा, इस डॉट को इससे मिलाया, ये इससे, ये इससे, तो ये एक लाइन बनी है आपके पास। ये है मैग्नेटिक लाइन, यानी ये जो मैग्नेट है, इसके पास होता है एक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड वो होता है जहाँ तक इसकी फोर्स एक्ट करती है, क्योंकि ये अट्रैक्शन करता है ना आयरन को। जब जहाँ तक ये अट्रैक्शन करेगा, उधर तक इसका इन्फ्लुएंस होगा, इसका असर होगा। तो जिधर को इसका असर होगा, वो असर आपने शो कैसे करना है, वो लाइंस की सूरत में शो होता है। तो वो लाइंस इससे नॉर्थ से निकलती हैं, तो वो साउथ की तरफ जाती हैं। इस तरह ये लाइन हम यहाँ फिनिश करेंगे, क्योंकि पेपर के ऊपर आगे हमारे पास प्लेस नहीं है। तो अब एक और डॉट हम लगाते हैं, वहाँ से फिर लाइन स्टार्ट करेंगे जी। ये एक डॉट लिया हमने दोबारा से,
अब इसकी नई लाइन लगाते हैं, यानी हमें कई लाइन्स लगानी हैं। ये देखें जी, आपने ये इस तरफ पहला पॉइंट था, अब दूसरा उसने उधर लगा दिया है। अब हमने इसको मूव करके आगे ले जाना है, फिर उसी तरह इसकी अलाइनमेंट करते हैं जी। ये आपने देखा, मैंने इधर लगा हुआ था पहले, एक उधर लगा लिया, अब इसको मूव करके आगे ले जाते हैं जी। इस तरह ये एक और लाइन बन गई। अब तीसरी लाइन भी हम एक और ड्रॉ करते हैं। लेट हम ये पॉइंट इधर एक लगा लेते हैं अब आपके सामने जी। इधर से हमारी लाइन देखें आपको, ये इस तरफ आई है। अब इसको थोड़ा आगे मूव करके रख जी। अब ये लाइन इधर थी, अगला डॉट हमारा इस तरफ आ गया। ये देखें मुड़ रही है, अभी मुड़ के ये साउथ की तरफ जाए। ये देखें जी, अब ये किस तरह से बेंड हो गई है। अब इसका पॉइंट आप एक इधर और लगा देंगे, अब इसको उठा के आगे लेके जाएं जी। ये इस तरह से एक और लाइन लग गया, पॉइंट लग गया जी। इस तरह से एक और लग गया आपका पॉइंट। अब इसको लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ये जी इस तरह से लाइन आ गई। और आपने एरो देखे, मैंने एरो हेड ऐसे ड्रॉ किए हैं कि ये नॉर्थ से इमर्ज हो रही है और ये साउथ के में एंटर हो रही है, कि मैंने ये एक और डॉट लगाया है। तो ये कंपास नीडल मैं करूँगा, डॉट की तरफ होगी नहीं, इसलिए इस जगह पे आपने डॉट नहीं लगाना। थोड़ा सा इससे आगे करके इस जगह पे एक डॉट लगा के देखें आप, आपको नज़र आ रहा है। अब पहले वाले डॉट को कैंसिल कर देता हूँ मैं क्रॉस करके, यानी इसको नहीं आपने देखना, उस डॉट की तरफ हमारी ये नीडल जो है ना हो जाएगी। अब आपको नज़र आ रहा है, अब ये उस नए डॉट की तरफ है। अब दूसरी तरफ डॉट लगाएं, अब इसको आगे मूव करें जी। ये इधर कर दिया जी। इस तरह से ये एक और लाइन ड्रा होगी, इसका एरो भी आप उसी तरह ही लगाएंगे इस तरफ को, यानी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ आती है। तो आपने प्लीज़, जैसे मैंने ये थोड़ी सी लाइन्स लगाई ना, आपने कई पॉइंट्स लगा के इधर से और इधर को लाइन्स भी जाएंगी, और आपने इधर कहीं पॉइंट लगा लेना है तो यहाँ से भी लाइन्स आपकी इधर को आ जाएंगी, ये आप देख रहे हैं। तो ये बाकी प्रैक्टिकल आप खुद करेंगे। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, हमसे एक स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गई है। मैं वो मिस्टेक की वजह भी बताता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर से ना ये शेडो पड़ रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। शेडो से बचने के लिए मैंने ड्राइंग बोर्ड की पोजीशन चेंज कर दी है। हमने ये पोजीशन चेंज नहीं करनी थी, इसकी वजह से आपके प्रैक्टिकल गलत होगा। और ये मेरी लाइन भी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही, इधर से डिस्टेंस इसमें थोड़ा है, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। इसकी वजह आपको अभी मैं समझाता हूँ कि हमारा ये मैग्नेट हमने हटाना था, जो स्टार्ट में हमने ये ऐसे रख के आपको बताया था ना, ये वो लाइन हमारी गलत हो गई है। हमने वो लाइन के मुताबिक ऐसे सीधा करके, ये आप देखें, ये देखें जिस तरह से हमने कंपास नीडल रख ली थी ना, तो वाइट बोर्ड ये इस तरह टेबल के ऊपर पड़ा है। अब आपने इस वाइट बोर्ड को इस पोजीशन से हिलाना नहीं था, लेकिन मैंने इसको हिलाया इसलिए क्योंकि मैं ऊपर से शेडो पड़ रहा था, उसके लिए वेरी सॉरी, मेरे माइंड से निकल गया। लेकिन हर चीज़ से आपको एक सबक हासिल करना चाहिए। जैसे मुझे ये सबक हासिल हो गया, नेक्स्ट टाइम आपके सामने ये मैंने मिस्टेक की है तो आप मिस्टेक ना करना। वैसे मैं एक दो लाइंस बना के दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि आपने अब इसको हिलाना नहीं था और करना क्या था, एक लाइन लगानी है मार्कर से। अभी मैं आपके सामने लाइन लगाता हूँ जी। ये लाइन मेरे पास मार्कर था, वाइट बोर्ड मार्कर, तो मैंने मार्कर से इसकी बाउंड्री लाइन लगा दी है। इधर भी बाउंड्री लाइन लगा दी, इस तरफ भी बाउंड्री लाइन लगा देनी थी ऐसे। और ये बाउंड्री लाइन लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका प्रैक्टिकल नहीं सही होना, इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। नहीं तो अब मैंने ये मिस्टेक कर दी। और देखिए बाउंड्री लाइन लगाने का फ़ायदा क्या, कि अगर ये मूव हो जाए तो अब हमें ये लाइन नज़र आ रही है, इसको आप दोबारा इसकी अपनी प्लेस पे एडजस्ट कर देंगे जी। इस तरह ये अपनी जगह पे दोबारा आ गया। और अगर आप ऊपर से वो कंपास नीडल देखेंगे तो अब वो नॉर्थ सही, ये असल में ये हमने क्यों ऐसे किया, जो हमारी अर्थ का नॉर्थ है ना, अर्थ का भी जियोग्राफी नॉर्थ है, वो इस तरफ को है, क्योंकि ये कंपास नीडल हमें बता रही है कि अर्थ का नॉर्थ पोल इधर है। अब दो हैं इधर मैग्नेट, एक अर्थ का मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेट तो बहुत बड़ा है, और दूसरा ये वाला मैग्नेट था। इन दोनों मैग्नेट्स के अगर तो ये दोनों की लाइन सेम है तो फिर हमारी लाइन से ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब मैं यहाँ दो लाइनें इस तरफ से लगा के दिखाता हूँ आपको, लेकिन मैं तमाम पॉइंट्स आपको नहीं दिखाऊंगा आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ये जी मैंने खुद ही डॉट लगा के भी ये वीडियो आपके सामने इस तरह से बनाई है। इधर वाली लाइन ज़्यादा अच्छी जा रही, और मैं दो मज़ीद लाइन्स भी लगाऊंगा जी। मैंने दो लाइन्स मज़ीद लगा दी हैं, आप इस तरह जितनी मर्ज़ी लाइन्स लगा सकते हैं। अब मैं एक लाइन इस तरफ से भी लगाऊंगा, कहीं भी मैं एक पॉइंट लगा लूंगा। लेट मैंने इस पॉइंट पे लगा लिया। अब मैं नीडल ऐसे ही रखूंगा जैसे उधर से था, एक साइड इधर दूसरा इधर, आपने डॉट लगा लेना है।
आगे फिर इसको ऐसे ही करेंगे आप, इधर भी डॉट लगा देना है आप आपने। इस तरह से क्या हो रहा है, आपकी ये लाइन भी इधर से बन रही है, आप इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये मैग्नेट में साउथ की तरफ तमाम लाइंस जो आपकी मूव करके साउथ की तरफ जाती हैं। इस तरह आप इधर भी एक पॉइंट लगा के लाइन लगा सकते हैं, इधर भी पॉइंट लगा के, इधर भी जहाँ मर्जी आप पॉइंट्स लगा के अपनी इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, देर लग रही है, अदरवाइज़ ये 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।